हम लोग सभी शिक्षकगण आपके भविष्य के लिए यहाँ पे कार्य करते रहे। इसका फलस्वरूप यह हुआ कि संस्थान के बहुत सारे विद्यार्थी का चयन टाटा ग्रुप इंफोसिस में हुआ। इसके लिए एक बार सभी को बधाई और एक बार जोर से क्लैप। हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी कॉलेज से संस्थान से पता उठे, आइदर NIT और IIT और ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपने क्या पढ़ा अब आज के बाद से वो मायने नहीं रखता। आप क्या कर सकते हैं वो मायने रखता है। इसीलिए आप अभी खुद से मेजरमेंट कर लें कि हमको क्या और हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम आप लोग को यही एक शुभकामना उज्ज्वल भविष्य के साथ देते हैं कि आप लोग BTech की पढ़ाई करें। और सरकार के बहुत सारे स्कीम्स हैं अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन साहब का, जिसमें स्पेशल स्कॉलरशिप है। हम यही मोटिवेट करना चाहेंगे कि
ये नहीं सोचना है कि मतलब हम लोग किस कॉलेज से है या हम लोग स्टेटस क्या है या फिर मतलब हम लोग पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग पढ़ के कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग को अपना गोल पे हमेशा फोकस रहना है और परेशानियाँ तो आती हैं और एग्जाम तो आते ही रहते हैं और फेल और पास लगा रहता है पर कभी भी गिव अप नहीं करना। तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा था कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सारे बेस्ट स्कॉलर और सारे स्कॉलर आते हैं तो ऐसे पढ़ाई होता है। तो ज़्यादा मतलब हम लोग ने जो भी पढ़ाई किया वो ब्रिटेन की वजह से बोलते थे कि ये करो ऐसे करके आपका जॉब होगा। ऑनेस्टली हमको कुछ भी नहीं पता है कभी क्या बोलना है क्योंकि हमको 1% भी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। सर अभी जस्ट बुला लिए स्टेज पे और मेरा सिलेक्शन भी कैसे हुआ वो भी हमको नहीं पता है। हाँ लेकिन जब इंटरव्यू हुआ था तो लगा था कि हाँ लाइफ में कुछ एक चीज किए हैं जो अपने दम पे किए हैं उसमें किसी का हेल्प नहीं किए हैं। हाँ लेकिन जो इंटरव्यू देने के लिए पीछे से गाइडेंस था वो हमारे टीचर्स का बहुत अच्छा था। रूबी मैम, नीलिमा मैम और भी मैनेजमेंट के जो सर हैं विजेंद्र सर उन सब का बहुत ज़्यादा गाइडेंस था। रूबी मैम हमेशा बोलती है कि आप सब्जेक्टिव पे ध्यान मत दो, कंपटीशन क्या है वो देखो, आगे लाइफ में क्या करना है वो देखो। ऑल्सो गेटिंग सेलेक्टेड वाज नॉट इजी but I came through it as there was lot of support from my parents and all my teachers. Bye-bye.
और ये फायदा जिसमें हमने सॉरी मैम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली बार फिर से पढ़ कर आएंगे इससे ज्यादा हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। आदर अभिनंदन आदर नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एजुकेशन टीचर योर सीनियर माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय लवली जूनियर अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वंडरफुल एंड ऑस्पिशियस डे दैट ब्रिंग्स टुगेदर स्वागत करते जरूर है जब हर बात पे चिढ़ जाए और हर बात पे गुस्सा करे हर बात पे।